तो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 11 का होमवर्क, जो कि 24 फरवरी 2022 का है। विषय जीव विज्ञान से लिया गया और अध्याय 13 उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, टॉपिक पार्ट 1 और 2। तो चलो इसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, यह कहाँ संपन्न होता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण खम्भ कोशिकाओं में होता है, जल शिराओं से परासरण द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से विसरण द्वारा कोशिकाओं में जाती है। खम्भ कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है, यह क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करता है। अगला प्रश्न है हमारा, क्लोरोलास्ट का झिल्ली तंत्र किससे बना होता है, प्रश्न नंबर 2। तो इसका उत्तर देखेंगे, यह दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना है, जिसमें अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और क्लूप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, इसमें उपस्थित हरा वर्णक क्लोरोफिल तथा नारंगी और पीला वर्णक सूर्य प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करती है। अगला प्रश्न नंबर तीन है, प्रकाश अभिक्रिया व अप्रकाश अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया जो प्रकाश अथवा किसी अन्य विद्युत चुंबकीय विकरणों के कारण प्रेरित होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। ये विकरण की तरंग दैर्ध्य 2000 A से 8000 A तक होती है। अगला प्रश्न नंबर 4, प्रकाश संश्लेषण में कितने प्रकार के वर्णक भाग लेते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे, इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्लोरोफिल हरे रंग का वर्णक है, क्लोरोफिल में कम से कम 4 वर्णक पाए जाते हैं, दोहरे वर्णक क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी और 2 पीले वर्णक कैरोटीन और जैथोफिल। इनका संश्लेषण पौधे में सूर्य प्रकाश द्वारा होता है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में सहायक वर्णकों का कार्य लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे प्रश्न नंबर 5 का, यद्यपि क्लोरोफिल ए प्रकाश को अवशोषित करने का मुख्य वर्णक है, फिर भी अन्य थायलोकाइड में वर्णक जैसे क्लोरोफिल बी, जोथाफिल और कैरोटिन, जिसे सहायक वर्णक कहते हैं, वे प्रकाश को अवशोषित करते हैं तथा अवशोषित ऊर्जा को क्लोरोफिल ए में स्थानांतरित कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका ये होमवर्क समाप्त हो गया, 24 फरवरी 2022 कक्षा 11। धन्यवाद।